I feel very honored to occupy this post, and various legends have occupied this post before me in past, so I feel extremely honored and humbled to have been selected for this job and for government posing this confidence in me. So that is my first impression on taking charge. Mahilaon ki suraksha ek badi priority hai hamare liye, hamesha se rahi hai. और महिलाएं चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय सुरक्षित महसूस करते हुए कहीं भी आ जा सकें, कोई अड़चन ना आए, कोई असुरक्षा की भावना निर्माण ना हो, ये एक हमारा प्रायोरिटी एरिया है. कुछ पीछे सक्सेसेस अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़ी सक्सेसेस मिली हैं पीछे पुलिस को, तो उन सक्सेसेस के ऊपर बिल्ड करना और जो कुछ बचे कुछ एलिमेंट्स हैं अंडरवर्ल्ड के, उनके ऊपर भी काबू लाना एक बड़ी प्रायोरिटी मुंबई पुलिस की और मेरी पर्सनली रहेगी. और उसके लिए मुझे मेरी जो पूरी टीम है, एक मुंबई पुलिस का परिवार है, उनका साथ रहेगा. टीम वर्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है, तो मैं अपनी टीम को साथ लेकर चलूंगा. मुझे विश्वास है कि मेरी टीम मेरा पूरा साथ देगी. सीनियर ऑफिसर्स हों या कर्मचारी हों पूरे, उनसे मेरा पुराना नाता है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है. मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक दुनिया की सबसे अच्छी फोर्सेस में मुंबई पुलिस मानी जाती है, वो किसी भी चैलेंज को मीट करने में दे विल राइज टू द चैलेंज. और इस शहर को हम बहुत ही एक अच्छी पुलिसिंग दे पाएंगे, सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे. तो कार्रवाई हमारी क्राइम ब्रांच कॉम्पिटेंट है, पुलिस स्टेशन कॉम्पिटेंट है, मिलजुल कर हम कोशिश करेंगे बड़े बड़े केसेस भी क्रैक किए जा सकें. लेकिन उसके लिए मुझे ये भी पहले मानना पड़ेगा कि बड़े केसेस हैं. मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े गैंगस्टर या बहुत बड़े रैकेटियर्स इस समय ऑपरेट करते हैं. अगर कोई इस प्रकार का रैकेट सामने आता है, विषय उस पर क्रैकडाउन किया जाएगा. इस समय माहौल अच्छा है, मेरे प्रेडिसेसर्स ने टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उसी कार्य के ऊपर हमको बिल्ड करना है और मुझे विश्वास है ऐसा अच्छा कार्य आगे कुछ गतिविधि पर कंट्रोल पाना है, तो कौन सी आपको लगता है बची गतिविधि स्पेसिफिक्स में जाना उचित नहीं होगा इस स्टेज, लेकिन बड़ी सक्सेसेस मिली हैं आप सभी को मालूम है. और जो बचे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ गैंगस्टर्स हैं, कुछ छोटे मोटे गैंगस्टर्स भी जो बड़े गैंगस्टर का नाम लेके धमकियां देते हैं, एक्सटॉर्शन की कोशिश करते हैं, कार्रवाई उनके विरुद्ध जारी रहेगी और निश्चित ही जल्दी जो बची कुछ एक्टिविटी है उसे काबू में कर लिया. जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिस प्रकार से प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया है, वो जारी रखा जाएगा. डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन में जाना नहीं चाहूंगा, मुझे जानकारी भी नहीं है, ब्रीफिंग लूंगा, लेकिन एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन जो इसमें अब तक हुआ है उसको जारी रखा जाएगा.